एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से आप लोग के सामने आज एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में तो पहले आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ पहले आलू की पकौड़ी और फिर प्याज और मिर्च की पकौड़ी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सादी पकौड़ी, क्योंकि हमारे घर में तो भैया सभी के छाला हो रखा है, लेकिन फिर भी भाई सबको मिर्च वाली ही खाने की शौक़ है। मेरा क्या भाई, मैं तो बना ही दूंगी, लेकिन मैं पकौड़ी वगैरह मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि ऑयली चीज़ मेरे को सूट नहीं करती है। बट कभी कभार मैं खा लेती हूँ जब नहीं मन मानता है, लेकिन आज मैंने ठान लिया नहीं खानी तो मतलब नहीं खानी है। तो यहाँ पर बस मेरी पकौड़ी बिल्कुल तैयार हो रही है और यहाँ पर फिर मैं जाऊँगी चाय और पकौड़ी देने के लिए निशा और मम्मी को दूँगी जाके। तो क्योंकि भैया तो ब्रेड और नमकीन और चाय खा के चले गए हैं, क्योंकि उनको जल्दी जाना होता है। और यहाँ पर अब बस बिल्कुल तैयार हमारी हो चुकी है क्रंची क्रंची पकौड़ियाँ। तो भाई वैसे तो मैं बता दूँ, खाने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बस मैं ऑयली के चक्कर में मैं नहीं खाती हूँ भाई। आप लोग लेकिन खाओ, ठीक है? खाने वाले तो खाते, जिनको नहीं खाना होता वो नहीं खाते भाई, मेरी तरह, है ना। तो यहाँ पर बन गई है हमारी गरम गरम पकौड़ी और चाय, ठंड हो रही है भाई तो चाय तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊँगी निशा को और मम्मी को चाय देने के लिए। तो यहाँ पर एक तरफ चाय मैंने गरम कर ली, क्योंकि चाय उन्होंने ही बना के रखी थी। तो अब बस, तो यहाँ पर फिर मैं जा रही हूँ मैं पकौड़ी, इसमें पहले तो मैं सारी पकौड़ी में लगा लूँ, क्योंकि पकौड़ी बचा के मुझे करना क्या है। तो यहाँ पर बस, तो यहाँ पर मैंने चाय भी छान ली और एक तरफ मैंने कढ़ाई में और पकौड़ियाँ भी मैंने डाल दी, ताकि वो जब तक कि मैं दे के आऊँ तो यहाँ पर पकौड़ियाँ जो है वो हमारी और अच्छी तरीके से क्रंची हो जाए। तो यहाँ पर ये कर रही थी पढ़ाई, क्योंकि इसके पेपर आने वाले हैं। तो भाई पढ़ाई वाले तो बच्चे पढ़ाई ही करेंगे, और भैया हम भी बच्चे ही हैं, हम कोई बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर जो बचाता पेस्ट बचाता बेसन हमारा, तो इसमें मैंने ये प्याज और मिर्च डाल दी है, और इसमें मैंने थोड़ी सी हरी धनिया डाली है, और उसमें नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था। और यहाँ पर मैं फटाफट से मैं पकौड़े निकाल लेती हूँ। मैं वैसे बताऊँ, मुझे प्याज के पकौड़े तो मुझे बहुत पसंद है। बस मैं अभी थोड़ी सी, मैंने ये सब तली चीज़ें मैंने बंद कर रखी है, लेकिन क्या करूँ, कभी कभार मन नहीं मानता ना तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि जीभ मानती नहीं है ना। तो लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि आज तो नहीं खानी, तो नहीं खानी है। तो यहाँ पर भी बस अब हमारी ये जो प्याज वाली जो पकौड़ियाँ हैं, बस वो बन के तैयार हो रही। तो यहाँ पर सारी पकौड़ियाँ बन चुकी है, थोड़ी सी रह गई हैं जो कि मैंने कढ़ाई में डाल दी। और यहाँ पर मैं खाऊँगी दो ब्रेड और थोड़ी सी मैंने नमकीन, लेकिन बट मैं नमकीन नहीं खाऊँगी यार, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर जो आलू बचे थे वो मतलब निकाल के रख दिए हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी जो पूरी कचौड़ी रह गई थी, सॉरी पकौड़े, तो वो भी मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ पर ये दही, क्योंकि आज मम्मी बनाएंगी कड़ी की सब्ज़ी, तो ये बस मैं रख देती हूँ, क्योंकि भैया जब आएंगे दिन में तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और एक तरफ मैं खुद के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि सारी चाय तो मैंने उन लोगों को दे दी है और चाय बची नहीं थी। तो यहाँ पर फटाफट से तो मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि आज बनेगी कड़ी की सब्ज़ी, तो इसीलिए रोटी तो भाई कोई हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है जिस दिन कड़ी की सब्ज़ी बनती है। तो इसीलिए रोटियाँ ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें रोटी वेस्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पर मेरी रोटी भी फटाफट से बन गई, क्योंकि मेरे को कोचिंग जाना होता है ना, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वाला काम करती हूँ। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैं पूरी किचन की साफ़ सफ़ाई कर दूँ, और बर्तन तो मैं धोऊँगी नहीं, बर्तन धोएगी निशा, क्योंकि मैं शाम के बर्तन धो लूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो यहाँ पर हमें सारी की सारी फटाफट से मैं पहले तो रोटियाँ लगा दूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना काम ख़त्म ही करके जाते हैं। तो यहाँ पर रोटियाँ भी मैंने लगा दी है, और ये जो पकौड़ी रखी है, तो अभी किसी को खाना होगा तो खा लेगा, तो गैस वगैरह तो मुझे ही साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी छोटी है और कर नहीं पाती है इतनी तरीके से साफ़। तो यहाँ पर ये बर्तन हो गए हैं सारी, जो भी हमारे जो गैस के जो बर्नल थे वो सारे के सारे मैंने निकाल दिए, क्योंकि साफ़ सफाई ना बहुत ज़रूरी। और यहाँ पर बज गए थे, और यहाँ पर जब मैं वहाँ कोचिंग से आई थी तो 5:30 बज गए थे। तो फिर मैंने चाय पी, और मैं हमेशा में चाय में मैं नमकीन डाल के ही खाती हूँ, जो ऐसे होंगे मेरी तरह होंगे वो समझ जाएंगे। और यहाँ पर मम्मी सिल रही थी बाहर का पर्दा, और यहाँ पर दो पेंट थी जो कि मुझे प्रेस करनी थी, एक थी पापा की और एक थी भैया की। तो यहाँ पर मैं फटाफट से मैंने प्रेस लगा रही थी, क्योंकि उन्हीं का चार्ज लगा हुआ था, भैया का, वो इस कमरे में सो रहे थे। और तो बस मैंने चार्ज लगाया, और यहाँ पर फिर मैं फटाफट से मैंने प्रेस करे,
तो यहाँ पर मैंने पेंट प्रेस कर दी है और साथ ही साथ में कहानियाँ मुझे सुनना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये प्रेस अभी बहुत गर्म है तो मैं अभी फ्रीज के में साइड में रख दूँगी, वरना किसी की चिपक गई ना तो लेने के देने हो जाएंगे। और यहाँ पर मौसम अब ठीक होने लगा है क्योंकि जब से बारिश हुई है ना तो अब गर्मी बढ़ गई है। तो अब भाई फरवरी आ गई, ओबियसली भाई गर्मी तो कम होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मम्मी ने कढ़ी बनाई थी लेकिन मैं ब्लॉग बना नहीं पाई थी इसकी। और मैं सच बता रही हूँ, कढ़ी भाई बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर ये शाम के बर्तन है जो कि मुझे ही धोने हैं, बस मैं बना नहीं पाई थी। तो मैं कभी और आपके साथ में मैं पूरा ब्लॉग इसका कढ़ी का मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं थोड़े से मैंने सोचा कि चलो अपने बाल के साथ कुछ किया जाए। तो यहाँ पर बहुत टाइम से बस मैं जूड़ा बनाती थी, चोटी करती थी, बोनी करती थी। बनाइए खजूर की चोटी जो कि बहुत टाइम के बाद बनाई है। आज मेरा मन कर रहा था क्योंकि मैं वही जूड़ा तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं बालों में। तो बस वही मैंने खजूर की चोटी बनाई है और पीछे बस वही फोल्ड करके नीचे से मोड़ ली है, क्योंकि कि रात के टाइम पे बाल हमेशा मैं मतलब गूंद के ही के ना सोती हूँ ताकि सही रहते हैं, ठीक है। और कभी कभार तो एकदम आलस घुस जाता है तो मैं करती ही नहीं हूँ, फिर तो मैं ऐसे ही मतलब कर लेती हूँ। लेकिन वैसे मैं सही बताऊँ तो भैया हमेशा गूंद के ही चोटी सोनी चाहिए, आपके बाल जो कि ख़राब नहीं होते और ना कह लो एक तरीके से कि उन्हें दो मुँह के बाल की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, है ना। तो बाल सही रहते, बाल फंसते नहीं है, बाल ज़्यादा टूटते नहीं है, है ना। तो ये सारे रीज़न होते बाय चांस ही मेरे अंदर आलस आता है इन सब चीज़ों को लेके, डेली नहीं भैया। तो जैसे कि अभी ले लो एलोवेरा जेल रखा है, 3 दिन से मैं नहीं लगा रही थी क्योंकि उसके बारे में सोच के मैं भूल जा रही थी किसी न किसी वजह से। लेकिन आज मतलब कि कल से इसमें सोना शुरू किया है तो आज मेरे को याद रहेगा तो आज मैं लगा लूँगी। और अब तो मुआ फिर भी ठीक है, तो यहाँ वाला तो ठीक हो गया है। और जल्दी जल्दी आज मुझे भागना पड़ा था तो मैं आपको कढ़ी की रेसिपी नहीं दिखा पाई, वरना मैं वो भी दिखाती क्योंकि बहुत मस्त बनती है। और जो कि मैंने नहीं बनाई है, बनाई तो मम्मी ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। आज मैं भाग गई थी जल्दी जल्दी क्योंकि आज जल्दी जाना था कोचिंग, कुछ काम था। लेकिन आज गई तो टीचर ही नहीं आई थी और फिर क्या, मैं जल्दी आ गई थी, फिर वही खाना वाना खाया, फिर रेस्ट किया, फिर शाम के बर्तन मैंने ही धोए हैं क्योंकि सुबह के बर्तन में धो के नहीं गई थी। तो वो वाले बर्तन निशा ने धोए थे। तो अब बस जो रोटी बना ली है, देखते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो रात के बज गए हैं 11:30 और यहाँ पर इनकी चल रही पढ़ाई, तो यहीं पर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब